नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। जिस तवांग के इलाके में भारत और चीन के बीच झड़प की बात आई सामने, वहां क्या हो रहा है, सैटेलाइट इमेज है हमारे पास। 9 दिसंबर यानी कि झड़प वाले दिन की सैटेलाइट तस्वीरें हैं हमारे पास और इस वीडियो में हम इस सैटेलाइट इमेज के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि कहां क्या कुछ हो रहा है। हमने मार्क किया हुआ है, जैसे जैसे मैं आपको उस मार्किंग पे जाएंगे हम, आपको पता चलता जाएगा वो कौन सा इलाका है। मैं बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ पूरा उस दिन हुआ है और किस तरीके से कहां पर झड़प हुआ है। तो जो इस पूरे झड़प को लेकर जानकारी सामने है वो ये कि चीन की तरफ से 300 से अधिक सैनिक आए थे, भारतीय LSE को पार करते हुए वहां कब्जा करना चाहते थे 17,000 की फीट पर, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे नाकाम कर दिया। तो सबसे पहले उस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो गोला आपको सामने आता है ये है संभावित चीनी सेना का बसाया हुआ गांव। यहां चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा ये मान के हम चल रहे हैं, अंदेशा, क्योंकि ये चीन के इलाके में दिखाई पड़ रहा है ये सब। और ये देखिए, ये सड़क है, ये जो सड़क आ रही है वो LSE के पास सड़क आ रही है, जो गोला पे आपको दिखाई पड़ रही है। ये एक एक करके फिर ये LSE में घुसपैठ की कोशिश जो है ये चीन का की तरफ से बनाई जा रही सड़क है जो सीमा LSE तक आती है। अब ये देखिए, ये है भारतीय सेना के संभावित डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें, यानी कि ये जो मिशन फेल किया गया उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये रहा कि वो जो डिप्लॉयमेंट वाला इलाका है वहां पर भारतीय सेना की टुकड़ी पहले से मौजूद थी और चीनी सेना के मंसूबों को नाकाम कर दिया। चीनी सेना का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहां दिखाई पड़ता है, वो एक गांव बना रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी दिखाई पड़ रहा है कि कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा है, सड़क बनाए जा रहे हैं, एक्सपेंशन किया जा रहा है चीन की तरफ से। ये वो सड़क की तस्वीरें हैं। और उसके बाद जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे हम इस संभावित भारतीय डिप्लॉयमेंट के तस्वीरों की, कि ये देखिए, ये जो डिप्लॉयमेंट का इलाका है संभावित, हम श्योर नहीं है, सूत्रों के हवाले से हम कह रहे हैं कि ये संभावित भारतीय सेना की तैनाती का की वो तस्वीरें हैं, जिसके कारण ये जो पूरा प्लानिंग था चीन का कि वो इस इलाके में आएगा और आकर वो 17,000 की फीट को काबिज कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये जो सूत्रों के हवाले से पहले ही जानकारी आ गई थी कि चीन ऐसा कुछ कर सकता है, उस साजिश के तहत देखते हुए भारतीय सेना की टुकड़ी पहले भी से भी वहां मौजूद थी। जबकि सूत्र से जब ये जानकारी आती है तो और भी सैनिकों को बुलाया जाता है पीछे से और एक हैवी डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से की जाती है, जिसके बाद झड़प जब होती है तो भारतीय सैनिक भारी पड़ जाते हैं चीनी सैनिकों पर और उन्हें मार भगा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मार भगा देते हैं भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिकों को। इस पूरे प्रकरण पर भारत की तरफ से तो बयान आया ही, भारत की तरफ से बयान क्या है सबको मालूम है कि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, भारत ने करारा जवाब दिया, चीनी सैनिकों को पीछे जाना पड़ा और कमांडर्स लेवल पर बातचीत हुई। फिलहाल जो विवादित इलाका है, जो इस इलाके में जहां झगड़ा हुआ है, वहां जो है अभी सैनिक नहीं है, पीछे कर दिए गए हैं, दोनों अपने अपने जगहों पर लौट गए हैं, झगड़े वाली जगह पर कोई नहीं है। लेकिन चीन की तरफ से जो कहा गया वो भी काफी दिलचस्प है। चीन की तरफ से ये बात कही गई कि चीन जो है वो दरअसल जो है चीन का कहना है कि भारत ने LSE को पार किया और पार करने के बाद जो है वो पेट्रोलिंग से रोका चीनी सेना को, जिसके बाद ये विवाद हुआ और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर हमला किया, ये चीन की तरफ से कहना है। लेकिन पूरा ये जो हम सैटेलाइट के जरिए आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से चीनी सेना LSE के आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन कर रही है, अपने नए नए रास्ते बना रही है विवाद खड़े करने के लिए, LSE तक पहुंचने के लिए, जिसका करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। भारतीय फौजी सेना पहले से अलर्ट थे और उसका यही फायदा हुआ कि चीन की इस बड़ी साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया।